पूरे लैंड माफिया हैं पूरे, और जो है ये ना आके रोज़ धमका रहे, रोज़ ये कर रहे हैं। हम लोग जो है पैसे, अब मैं POP काम करने वाला हूँ, गरीब आदमी कैसा तो जोड़ को हम प्लाट लिए। ये 1994 से महबूब भी लेआउट है, यहाँ तक मस्जिद का पोजीशन है और मकान बने हुआ है, दो बेसमेंट है, पूरा सब अपने अपने पोजीशन में है। लम्बा लेआउट में 194 प्लाट थे 5 साल पहले तक, इसमें कई बेसमेंटें थी, कई एक एक रूम बने हुए घर थे, वो पूरे प्लाटें चले गई, पूरी बेसमेंट चले गए, घर चले गए, वो 194 प्लाट वाले पूरे बेघर हो गए ऑलरेडी। रात दिन में सो नहीं सक रहा हूँ, मेरे बेचैनी बढ़ रही है, अगर मेरे दिमाग की टेंशन बढ़ गया सर ये प्लाट की वजह से, अगर मेरी इसी दौरान घर कुछ हार्ट आया है कुछ आया, ये जिम्मेदारी मुस्तफा बागवान की होंगी सर। ये लोग की कभी सरमाया गया तो ये लोग मार खाने के लिए और मारने के लिए थोड़ा भी चेंज होने वाले नहीं, तो इसलिए पुलिस वाले थोड़ा अपने आप की जिम्मेदारी समझकर थोड़ा अलर्ट हो और सीरियसली इस प्रोजेक्ट पर काम करें। मेरा नाम मोहम्मद हारून है और महबूब भी में मैं जो है प्लाट लिया था जो है एक 10 साल पहले 94 में जो है ये लाइबोर्ड गिरा 194 में, और उसके बाद में मैं जो है 10 साल हो गया प्लाट लेके। प्लाट नंबर मेरी जो है 25 है और ये जो है बाजू वाले जो है मुस्तफ़ा बागवान हैं, वो धुलम्मा का जो है प्लाट लाइबोर्ड पूरा ले लिए, ऑलरेडी गिरे सो था प्लाट, वो तो सब उल्टा सीधा करके लिए। लेने के बावजूद भी जो है यहाँ 20 प्लाट जो भी है इनका फेंसिंग कर रहे इधर ऑलरेडी इन्हों, उसके बाद में जो है इन्हों ऑलरेडी घर बने सो है, मस्जिद भी बने सो है, अब ये जो है यहाँ से वहाँ तक पूरा जो है हमारा है बोल को आल के धमकियाँ दे रहे। तो हमारा जो है पुलिस कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश है कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, और ये पूरे लैंड माफिया हैं पूरे, और जो है इन्हों आके रोज़ धमका रहे, रोज़ ये कर रहे हैं। हम लोग जो है पैसे, अब मैं POP काम करने वाला हूँ, गरीब आदमी कैसा तो जोड़ को हम प्लाट लिए, अब लेको जो है बनाने वाले थे तो इन्हों आके जो है धमका रहे कि यहाँ नहीं करना, ये सब हमारा है बोल को। तो वही हिसाब से आपसे जो है कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश है कि आप जो है इस पर कार्रवाई कीजिए, इन लोग को जो है सख्त से सख्त सजा दीजिए, आगे ये लोग जो है ऐसे हरकत ना कर सकें। मैं मोहम्मद ख्वाजा मियाँ, मैं ये प्लाट 1994 में लिया हूँ, आके कुछ लोग, मैं मेरे बच्चे के नाम से लिया था, बच्चे की शादी के वास्ते, मैं काफ़ी गरीब आदमी हूँ, आके मेरे लोग डरा रहे हैं कि यहाँ ये आपकी ज़मीन नहीं है, ये आप कैसा लिए किन से लिए, जबकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, तो उन्होंने बता रहे हैं 18 प्लाट हमारे हिस्से में आते हैं, ये मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जबकि मैं बच्ची की शादी का से लेकर रखा था, अब तकरीबन मेरी बच्ची शादी के लायक बच्चे बनी है, मैं शादी करना चाह रहा हूँ, बेचने जा रहा हूँ तो कोई ले नहीं रहा है, वो लेने वालों को भी ये बता रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, आपके पास ये कैसा आया ये, जबकि मेरे पास पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं काफ़ी परेशान हूँ। हुकूमत पुलिस कमिश्नर साहब से अंदन गुजारिश है मेरी कि इस मसले पर कुछ तवज्जो दें, और हम और हमारी बहनों की भी प्लाट्स हैं यहाँ पे, गरीब हैं और काफ़ी परेशान हैं और रो रहे हैं कि चंद दिनों से कुछ आ रहे हैं लोग, ये हमारी ज़मीन है यहाँ तक आती, आप इसको यहाँ पे कुछ आ रहे हो, कोई तो मुस्तफ़ा बल्कि बोलते हैं बागवान बोलते हैं, वो कई को ऐसा कर रहे बोलो तो नहीं जी यहाँ तक हमारी आती है ज़मीन। पेपर देखने के बाद क्या लगता है आपको, कब लिया उन्होंने? बाद में कुछ तो भी रजिस्टरी कुछ तो कर लेंगे थे, जबकि हमारे 94 की है ये पेपर ओरिजिनल जी। उनके कब के बात के हमको बताओ, ये नहीं पढ़े लिखे तो हम ही नहीं, उन्हें डरा रहे हैं 12 में कुछ तो कर लिए हम, वो 12 से पहले कहाँ था, ऐसा कुछ डरा रहे हैं धमका रहे हैं, हम क्या करना था, हम किधर जाना, अब हम अकेले के जाएंगे बोलते कुछ हो रहा नहीं, चंद भाई लोग हम जमा हुए तो चलो कुछ होता है क्या, हमारी बच्ची की शादी का मामला है ये, उन्होंने आग बोला ये नहीं बेच सकते, कोई ले रहा भी नहीं, ये लफड़े में चली ज़मीन बोल के कैसा करना था बोलिए। अगर ये कुछ अगर मेरे को जैसे कुछ रात दिन में सो नहीं सक रहा हूँ, मेरे को बेचैनी बढ़ रही है, अगर मेरे दिमाग की टेंशन बढ़ गया सर ये प्लाट की वजह से, अगर मेरे इसी दौरान घर कुछ हार्ट आया है कुछ आया, ये जिम्मेदारी मुस्तफ़ा बागवान की होंगी सर, क्योंकि मैं काफ़ी गरीब आदमी, मेरे बच्चों का आगे फ्यूचर में कोई है नहीं देखने वाला, पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास ओरिजिनल है, ऑलरेडी उनके कुछ भी नहीं है उनके पास, बता रहे 2012 जबकि 94 का लिवेट है, ऐसा करके डरा रहे सब कुछ, हम कुछ मेहरबानी आप लोग कुछ तो करके जरा हमारे क्या डिमांड करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हमको मिले, बस यही हमारी डिमांडिंग है, बाकी कुछ भी नहीं। अब हमारे कुछ मसले हैं, अगर हुकूमत अगर चाहे तो ये प्रॉपर्टी लेके हमको कुछ उसका मुआवजा भी दिए तो हम बच्ची की शादी कर सकेंगे, हम गरीब आदमी कहाँ से लेंगे, और हमारी बहन की भी है इसमें प्लाट, उन्होंने गाँव में उन्होंने भी आने वाले हैं, अब थोड़ी देर में आएंगे, उन्हें हैबत खा के उनके भी कुछ गरीब लोगों के प्लाट हैं इसमें, कोई पैसे वालों की नहीं, पैसे वाले आमदन आके ये करें, कुछ दो मकान बने भी गरीब लोग हैं उनके भी आगे डरा रहे हैं, मस्जिद भी हैं, मस्जिद भी उसमें चाहते बता रहे हैं, ऐसा कुछ मसले साहब आप मेहरबानी करके उनसे कुछ एक्शन लीजिए। सबसे पहले मैं गुलबर्गा के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और कंसल्ट पुलिस स्टेशन यूनिवर्सिटी, और उसी तरह तहसील ऑफिस में जो तहसीलदार हैं, उसके बाद RO RI
जितने भी कंसल्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं उनके मैं नॉलेज में ये लेना चाहता हूँ कि ये वार्ड नंबर 15 सिटी कॉरपोरेशन का जो लास्ट बॉर्डर है उसी से बिलोंग करता है। यहाँ पे 16 सर्वे नंबर जो धड़म्मा और महबीब के नाम से फाइंड आउट है, ये लोग 15-20 साल पहले लेआउट कर बेचे से हैं। हो सकता वो कानूनी कार्रवाई करने में वो लोग पहले फेल हुए थे, वो लोग 100% बेचेस हुए हैं। लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ये यकीन हो रहा है कि ये वाकई डॉक्यूमेंट्स स्टाम्प पेपर ही है, बरअल ओरिजिनल है। यहाँ पे आज जो मसला आया है 18 प्लाट का, जो एक शख्स वो मेरे प्लॉट हैं या मेरी ज़मीन है बोलकर दावेदारी बता रहे हैं, वो दावेदारी बताने का उनका इंटेंशन ये है कि अब वो लेआउट ओनर जो लास्ट टाइम पे जो पानी ओनर था उसको जाकर वो लोग डबल से पैसे देकर अपने ऑफिशियल काम करने में उसकी मदद लेकर वो लोग डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, मैं बोलता हूँ इसलिए कि ऑलरेडी वो सेल कर चुकी है, उसके कोई राइट्स नहीं है कि वापस से डबल किसी और को रजिस्ट्रेशन कर दे, भले वो स्टाम्प पेपर हो या रजिस्ट्री हो। अब ये लोग स्टाम्प पेपर पे बेच रहे हैं बोलकर वो लोगों को जो लाइन ग्राफर्स हैं उनको मालूम होने के बाद वो लोग उनको जाकर इम्प्रेस कर वापस से डबल रजिस्ट्री कर लेकर ऑफिशियली में जो हो सकता एज़ पर पॉसिबल कर वो लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर आकर आज फील्ड पे हैं। बरअल ये लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहने के बाद भी ये फेक है। जो ओरिजिनल यहाँ के जो बेनिफिशरी हैं वो लोग बर्तन धोने वाले, ऑटो ड्राइवर और किसी के पास मजदूरी करने वाले गौंडी, वो लोग अपनी ताकत के हिसाब से ये प्लॉट्स खरीदे सो हैं। आज उनकी ज़िंदगी का पूरा सरमाया वही है, आज वो लोगों के पास से वो सरमाया चले जाएगा तो मैं समझता हूँ वो लोग आगे चलकर स्टैंड भी होने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी एज जो आज की जो डेट में जो वो लोगों की एज है 50 अबव है, 60 अबव है, 40 अबव है। आइए जितने भी जो ठहरे हुए हैं उनके कहीं ना कहीं या बेटा या दामाद या भतीजा पोतरा ये लोग रेसिडेंस हैं, मतलब उनके कलीग हैं। अब मेरा बोलने का इंटेंशन ये है कि आज ये जो मसले आ रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में भी ऐसे मसले आने वाले हैं, क्यों ना ऑफिशियल लेवल पे वो लोग अलर्ट हो जाए, ऐसे ज़मीनों को मणि के दारे मेंशन करे कि ना कि वो ओनर भी आकर अपनी रजिस्ट्रेशन कराए ना दूसरा जना उसके अंदर चालाकी करे। बरअल फिर एक बार मैं पुलिस कमिश्नर से और कंसल पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट भी है मेरी कि वो लोग लाइन आर्डर ना बिगड़ने दे शहर का, क्यों नाजुक हालातों में आज की डेट में ये लोग की कभी सरमाया गया तो ये लोग मार खाने के लिए और मारने के लिए थोड़ा भी चेंज होने वाले नहीं, तो इसलिए पुलिस वाले थोड़ा अपने आप की जिम्मेदारी समझकर थोड़ा अलर्ट हो और सीरियसली इस प्रोजेक्ट पे काम करें। ये 1994 से महबूबी लेआउट है, यहाँ तक मस्जिद का पोजीशन है और मकान बने हुआ है, दो बेसमेंट है, पूरा सब अपने अपने पोजीशन में है। ये महबूबी के बाजू से इधर ढोलम्मा लेआउट था ये पुराना, इसके बाद ये बिके हुए प्लॉट थे उन्होंने रजिस्ट्री कर लेकर ये कब्जा करे पूरा 194 प्लॉट, फिर इधर इंक्रोचमेंट करे महबूबी में आके एक 18-20 प्लॉट आके इंक्रोचमेंट करके 10-12 लोग को दादागिरी करके पूरा पोजीशन में ये एक 2018 से चालू करे उन्होंने आना। ये 1994 का लेआउट है, लीगल 6 एकड़ है ये महबूबी के नाम से, पूरे प्लॉट सेल वेसो है ये और पूरे अपने अपने पोजीशन में है सब लोग। यहाँ पे 18-20 प्लॉट अंदर लेने के इसमें एक्टिविटीज़ कर रहे हो उन्होंने, 18-20 प्लॉट अंदर ले रहे हो उन्होंने। ये बाजू का 7 एकड़ 31 गुंटा सर्वे नंबर 16 ढोलम्मा का लेआउट था ये पुराना, बिके हुई चीज़ थी ये पहले, पूरे तकरीबन 194 प्लॉट को वॉश आउट करे उन्होंने, अब फिर इधर आके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर्वे नंबर 16 है, 7 एकड़ 31 घंटे ढोलम्मा का था पहले, 2008 तक ढोलम्मा की पानी थी, 8 के बाद रिकॉर्ड चेंज हुआ, अब ये अभी भी 6 एकड़ महबूबी का है। ये पूरे प्लॉट वाले हैं, पूरे ओनर्स पूरे अपने अपनी जगह हकदार हैं पूरे। अब हम जहाँ ठहरे वो महबूबी लेआउट है और इसके बाजू का जो लेआउट है ढोलम्मा लेआउट है। ढोलम्मा लेआउट में 154 प्लाट थे 5 साल पहले तक, इसमें कई बेसमेंटें थी, कई एक एक रूम बने हुए घर थे, वो पूरे प्लाटें चले गई, पूरी बेसमेंट चले गए, घर चले गए, वो 154 प्लाट वाले पूरे बेघर हो गए ऑलरेडी। ये बीच की रोड है ढोलम्मा और महबूबी की जो जोड़ती है वो तो चले गए, अब वो जो लिए हैं अपने हिस्से में जिनका नाम है मुस्तफ़ा बागबान सन्नाफ शब्बीर खलीफा
बागबान वो जो है ना इधर भी आती बोलकर बोल रहे हैं। अब ये भी जो है ना पूरे गरीब लोगों की प्लाटा हैं, तो तकरीबन 20 प्लाट यहाँ पे उन्होंने मेरे आती बोलकर बोल रहे हैं, जिसमें 4 प्लाट में मस्जिद है, घर है, आप देख सकते हैं पीछे कई घर भी बने हुए हैं। अब सारे लोग परेशान हैं। 94 में लेआउट गिरा सो है, वो लेआउट 90 में गिरा था, अब 2022 में ये आए आकर बोल रहे हैं कि ये मेरी जगह है। अब पूरे लोग जो है ना हर हफ्ता आकर बैठने 15 दिन सालों से अपनी प्लाट है बोलकर बैठने, सडन कोई शख्स आता ये मेरी जगह है बोलकर बोलता, सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, नोटरी के पूरों के पास लिंक डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी के पास कुछ डबल डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं लेआउट ओनर की तरफ से, इन्हों सडन 10 में क्या करे क्या मालूम नहीं, टोच में आप चेंज करिए कर जो है ना, अब इधर भी मेरी जगह निकलती बोलकर बोल रहे हैं। लोग पूरे परेशान हैं। आज़दपुर रोड के जितने भी सोशल वर्कर हैं, जानी भाई, नवारजीज भाई, हमारे तायर भाई कारपोरेटर, आरिफ भाई, सब लोग, अहमद भाई, अपना वक्त निकाल कर आए यहाँ सिर्फ गरीबों के लिए, गरीबों की मदद के लिए। इनका कोई अपना मसला नहीं, इनकी कोई प्लाट है ना कोई इनका मफाद है, सिर्फ ये पूरे ज़्यादातर लोग आज़दपुर रोड वाले हैं, इनकी खातिर ऐसे लोग हैं। मेरी रिक्वेस्ट है एमएलए कनीस फातिमा मैडम से कि आप भी ध्यान दें, और कमिश्नर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी ध्यान दें कि ये हरकत ऑलरेडी 94 प्लाट चले गए, अब वापस 20 प्लाट को फिर आ गए, यहाँ हम डील दें तो फिर और ऐसा चलते रहेंगे। गरीब लोग हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले, सिटी से इतनी दूर तो कोई पैसे वाला नहीं लेता प्लाट, ऑटो चलाने वाला, चुना मारने वाला, डेली मजदूरी गोंडी का काम करने वाला, ऐसे लोग हैं। ये लोगों की 10-10 साल की मेहनत की गाड़ी कमाई है, ये लोग पेट को काट कर जमाइसो है। आप लोगों से, मीडिया वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, ये चीज़ को आप भी ध्यान दीजिए, और इसमें से किसी का भी प्लाट ना जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। हमारे कारपोरेटर साहब भी हमारे साथ ठहरे, हम उनका दिल से शुक्र अदा करते हैं, और पूरे सोशल वर्कर्स का भी हम शुक्र अदा करते हैं, अपना टाइम निकाल कर रहे हैं। ये मुस्तफ़ा बागवान इनका नाम है, सन ऑफ शब्बीर अली खलीफा उनका नाम है, होलसेल बागवानों का कुछ उनका व्यापार है। आप ज़रा ध्यान रखिए, हमारे जो गरीब लोग हैं इनकी जो है ना इनका हक दिलाइए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। अभी कौन है भाई?